फैमिली वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। होप यू आर ऑल गुड और आपके बेस्ट विशेस से हम भी बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी है। बहुत सारी सब्जियाँ लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं। और आज का वीडियो थोड़ा चैलेंजिंग है आप सभी लेडीज़ के लिए। कहने का मतलब चैलेंजिंग इसलिए बोला मैंने कि करना है एक दिन का काम और 15 दिन आराम फरमाना है और बहुत सारा वैरायटी बनाना है खाने में। तो कुछ इस तरीके से मैं सब्जी की मार्केटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैं मूली लेकर आई हूँ, वांगी। मूली को कट करके रख दिया, महीने भी ख़राब नहीं होते हैं टाइट बॉक्सेस में। और कोई भी बॉक्सेस मैंने ख़रीदा हुआ नहीं है, सब ऐसे आइसक्रीम का है। तो कुछ स्विगी टमाटर तो भाई साहब इतना महंगा हो गया कि क्या बताऊँ। तो एक पाव लेकर आई थी, उसको भी अच्छे से पोंछ कर बॉक्स में करके रख दिया। और ये फ्लावर जब देखा ना मैंने तो कीड़े लगे हुए थे, रात को दिखा नहीं। एक्चुअली मैं जो भी सब्जियाँ खरीदती हूँ रात को ख़रीदने जाती हूँ 8 बजे के आसपास। यहाँ पे एक सब्जी मार्केट है, बहुत ही सस्ती सब्जी मिल जाती है क्योंकि उस टाइम पे मार्केट क्लोजिंग का टाइम होता है, तो रिजनेबल प्राइस पे अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिल जाती हैं। और यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी है, तो एक बॉक्स में नहीं आ रहा था तो 2 बॉक्स में की, और खूब सारा काम करना पड़ता है। तो इतनी सारी सब्जियाँ हैं, तो अभी मैं कुछ सब्जियों को रफली पैक कर रही हूँ। मेन काम तो मेरा कल स्टार्ट होगा, सारी सब्जियों के साथ में क्या करने वाली वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ पर गाजर भी लेकर आई हूँ एक पाव, मतलब कुछ सब्जियां हैं जो मैं लेकर आती ही हूँ एनी कॉस्ट। गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, ये सब कुछ, पालक, ये सब कुछ होता ही है। मैं कॉर्न को भी पैकेट से निकाल कर एयरटाइट बॉक्स में रखती हूँ। यहाँ पे फ्लावर को धो दिया है और पानी निकलने के लिए छोड़ दिया है, उसके बाद उसको बॉक्स में कर रखूँगी। यहाँ वांगी है गिल की, इनकी सफाई मैं करूँगी नेक्स्ट डे। ये कांदा पात है, इसकी भी सफाई नेक्स्ट डे करूँगी। अभी बस क्या ना फटाफट से सब्जियों को, जो ख़राब होने वाली सब्जियों हैं उनको फटाफट से बॉक्स में करके रख देती हूँ। यहाँ पर मैं आलू प्याज को बाहर में रखती हूँ बिकॉज अंदर हॉल में ना जिधर उधर फेंक देता है। तो 5 kg में प्याज लेकर आती हूँ, 1 kg के आसपास आलू लेकर आती हूँ, सबको यहाँ पे लगा दिया जगह पे। ये सारा काम मेरा बहुत लेट हो जाता है करते करते, इसी बीच में मुझे खाना भी बनाना होता है, खाना भी होता है, जिधर को भी खिलाना होता है। और उसके बाद जब सब काम हो जाता है तब ये सब काम करने में बैठती हूँ। मैं बीन्स भी लेकर आती हूँ बिकॉज फ्राइड राइस बनाना है या कभी कोई सब्जी नहीं है मिक्स वेज बनाना है तो सब्सिडरी आइटम रहता है तो काम चल जाता है। और ये खराब नहीं होगा, जिस तरीके से मैं पैकिंग करती हूँ ना आराम से 15 दिन मेरा चल जाता है। तो मैं एक दिन जमकर काम करती हूँ और 15 दिन तक मेरे पास बहुत सारी वैरायटी होता है बनाने के लिए और अलग अलग डिशेस में बनाती हूँ। और यहाँ पे जीतू मुझे परेशान कर रहा है, उसको रहता है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो भी उसको करना है, और वेजिटेबल क्लीन वगैरह करने में वो मेरा हेल्प भी करता है और काम भी बढ़ाते जाता है। अभी मिर्ची का काम करे तो थोड़ा डर लगता है कि छू देगा, कभी आइस छू दिया, बच्चा है ना पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मैं हैंडल करके काम करती हूँ, वो रहेगा ही नहीं। वो मैं इनको बोल रही हूँ कि आप लेकर जाइए जीती हूँ को, लेकिन वो फटाफट से भाग आता है। यहाँ पे मैं अरवी को भी अच्छे से छील कर और कट कर दूँगी और धो कर फिर मैं नेक्स्ट डे उसको बॉक्स में डालूँगी ताकि वो चिपचिपा सा ना रहे। यहाँ पर पालक को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिस दिन हम लाते हैं तो पालक 2 टाइप से मैंने क्लीन किया। कुछ पत्ते हैं एक बॉक्स में वो निकाल लिए हैं और साथ में नॉर्मल पालक रख दिया है, उसको धोकर रख दूंगी। नेक्स्ट उसको बॉईल करके पीस कर स्टोर करके रख दूंगी। इससे क्या ना थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर सकते, 10 दिन तक ख़राब नहीं होता। भिंडी को भी मैं जिस दिन लाती हूँ उसी दिन अच्छे से वॉश करके और जो होल्स वाले बास्केट होते हैं ना उसमें करके रख देती हूँ। भिंडी तो फेवरेट है मेरे हस्बैंड का भी बेटे का भी, तो 1 kg, 1.5 kg, 2 kg जैसा रेट हो उसके अकॉर्डिंग मैं लेकर आती हूँ। अभी मेरा सारा काम हो गया तो सबको ढक के छोड़ दी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 1 बज गया था, रात को सो गई और सुबह आप लोगों से मिल रही हूँ और यहाँ पर व्यू दिखा रही हूँ बाहर का, कितना सुहावना व्यू हो गया है। बारिश की वजह से बड़ा अच्छा मौसम हो गया। यहाँ देखो पालक तो ठीक है, पालक को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो अपना स्प्रिंग ओनियन है ना, इसको अगर जिस दिन लाकर साफ़ नहीं किया ना तो नेक्स्ट डे देखो कैसे पीला पड़ जाता है इसके सारा पत्ता, हाफ तो वेस्ट ही हो जाता है। अरवी का पानी आराम से निकल गया तो इसको मैं स्टॉक कर लेती हूँ। 2 टाइप का मैंने कट किया हुआ है, एक थोड़ा फ्राई के लिए और एक थोड़ी सब्जी के लिए। भिंडी का भी पानी निकल गया है तो ये बास्केट में भिंडी को फ्रिज में डाल दूँगी। इससे क्या होता है ना, भिंडी कट करने में चिपचिपा नहीं कट होता है और मैं भिंडी को अलग अलग शेप पर कट करके रखती हूँ और आराम से
से मैं बहुत सारे वैरायटी बनाती हूँ। तो इसको फिलहाल तो मैंने यहाँ फ्रिज में रख दिया कि 2 घंटे के बाद ना मैं जब कट करूँगी तो चिपचिपा कट नहीं होगा। मीनवाइल मेरा डिश ख़त्म हो गया था डिश वॉश जेल, तो वो निकाला फिल करने के लिए। मैंने अमेजन से मंगाया हुआ है प्रेस्टो का, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये 2 लीटर का मंगाया, पहले तो 5 लीटर का मंगाती थी बट उसको ऑफर नहीं था तो इस बार 2 लीटर का ही मंगा लिया। यहाँ पर मैं ना सब्जी बनाई थी सुबह, तो उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर पानी बॉयल कर रही हूँ। इस आज मेरा ना 1 तीर से 3 निशाने होगा, कहने का मतलब है उसी कढ़ाई में मैंने पहले सब्जी बनाई, फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर वॉश कर दिया, फिर पालक बॉयल करने के लिए डाली हूँ ताकि जो बॉयल होगा ना तो कढ़ाई भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और जब मैं बॉयल करने के लिए लगाई कि सिलेंडर ख़त्म हो गया तो कुछ दिन पहले ही मैंने कॉकरोच जेल लगाया था तो पूरे कॉकरोच मरे पड़े थे, तो वो सफाई किया, फिर सोचा कि और लगा देती हूँ। सिलेंडर वाला जो होल होता है ना, जैसे पाइप आता है वहाँ से कॉकरोच खाना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लगा देती हूँ। और जीतू कुमार सोए नहीं है, बार बार मेरा ध्यान पीछे की तरफ जा रहा है कि कुछ काम ना कर दे, तो फिर से मेरा काम स्टार्ट हुआ। रुकना तो है नहीं, आज अगर रुक जाऊँगी ना तो मेरा सारा काम अटक जाएगा, सारी सब्जियाँ भी ख़राब हो जाएंगी। तो पालक बॉयल हो गया तो उसको अच्छे से वॉश कर दिया मैंने, और ये नट वाले बास्केट में रख दिया। और ये देखो कढ़ाई हो गई ना मस्त क्लीन एकदम, और इसको इधर साइड में रख दिया, जब ठंडा होगा तो पीस दूंगी। पीसने का काम मैं एक साथ करती हूँ कि डोसा बैटर हुआ जो भी पीसने का काम है सब एक साथ होता है। ये तेल का बॉटल है तो ये इसको धोना था, तो उसी पानी को जो पालक बॉयल किया था उसका जो पानी निकला उससे मैं वॉश कर रही हूँ। तो हुआ ना 1 तीर से 3 निशाने, तो मेरा फटाफट से ये सारा काम निपटता जा रहा है। और क्या होता है ना, ये ब्रश के हेल्प अच्छे से साफ कर देती हूँ। दिमाग में ना ऐसे 10 काम चलते रहता है। जीतू सो गया तो मैं मस्त यहाँ आराम से बैठ गई हूँ करेला कट करने के लिए। करेला भी 2-3 टाइप से कट करती हूँ मैं, एक तो ये भुजिया के लिए, जो बिहार के लोग होंगे वो समझेंगे, फिर यहाँ स्प्रिंग ओनियन को मैं सफाई करने के लिए बैठ गई नीचे में क्या आराम से बैठ के कर लेती हूँ, फिर झाड़ू से निकाल गंदगी जो भी होता है ना वो निकाल देती हूँ। तो स्प्रिंग ओनियन अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसलिए मेरा कोशिश रहता है ना कि जिस दिन मैं लाऊँ उसी दिन साफ करूँ, तो आधा तो वेस्ट ही निकल गया। तो यहाँ पे भी मैं 2 टाइप से स्प्रिंग ओनियन को कट करूँगी, जो ओनियन वाला पार्ट है वो अलग कर देती हूँ और जो ग्रीन वाला पार्ट है उसका वो अच्छे से कट कर देती हूँ छोटा छोटा, और उसको रख देती हूँ। जब भी बनाना हो तो थोड़ा थोड़ा करके वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, इससे ना स्प्रिंग ओनियन ख़राब नहीं होगा, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मेरा काम हो गया है नीचे का, तो मैं रख देती हूँ सब्जियों को। अभी ये सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज कर दे रही हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना पूरा आज मुझे कंप्लीट करना। तो यहाँ देखो स्प्रिंग ओनियन मेरा रेडी हो गया है, और ये कोई भी बॉक्स मेरा ख़रीदा हुआ नहीं है, सारे स्विगी वगैरह के हैं। तो ये है मेरा आज का खाना, मीनवेल खाना भी बना लिया था, भिंडी का भुजिया है, दही और ककड़ी का रायता है, अरवी के पत्ते की सब्जी है बहुत ही टेस्टी बनी थी, चावल दाल, और 3:38 हो रहा है। अब मैं खाने जा रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कब फटाफट से कंप्लीट करूँ, और जीतू के उठने से पहले मुझे सारा काम निपटाना है। फिर मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। आज के दिन जिस दिन मैं सब्जी लाती हूँ उस दिन से लेकर नेक्स्ट डे तक मैं नॉन स्टॉप काम करती हूँ। तो यहाँ पे डोसा का तैयारी करने आ गई, तो मैं चावल की जगह ज्वार यूज़ कर रही हूँ, इसका भी डोसा बड़ा मस्त बनता है, डायबिटिक लोग आराम से डोसा खा सकते हैं। तो इसको रख दी हूँ भिगोने के लिए। क्लीनिंग और कटिंग का काम मैं दोपहर तक कम निपटा लेती हूँ, रात को होता है मेरा मिक्सर का काम। तो गाइस ये वीडियो लास्ट नाइट से कंटिन्यू चल रहा है, और इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने किचन एक्टिविटी को सिंपल रखती हूँ, इजी रखती हूँ और वैरायटी रखती हूँ। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं फॉलो करती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबके अपने अपने टिप्स एंड आइडियाज़ होंगे, तो मैं अपना आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आपके पास भी कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। और गाइस जो किचन एरिया है वो वर्किंग वुमेन हो तो भी या हाउसवाइफ हो तो भी मैक्सिमम टाइम वहीं पे हमारा स्पेंड होता है। तो सब्जी लाने में जब भी जाती हूँ तो 5 चीज़ बेसिक मैं ज़रूर से ज़रूर लेती हूँ। वो 5 चीज़ें क्या है, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, बीटरूट और कैबेज। और भी ऑप्शनल चीज़ें मिल गई। ये 5 चीज़ें क्यों मैं लेती हूँ, बिकॉज ये अपने किचन में अपने फ्रिज में रहेंगे तो आपके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हो जाती हैं, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर लंच किसी भी फॉर्म में आप बना सकते हो। तो गाजर भी ख़राब नहीं होता है, कैबेज भी ख़राब नहीं होता है, बीटरूट भी ख़राब नहीं होता है। चाहो तो आप बीटरूट को एज ए नेचुरल वे में प्रिजर्व करके रखो या फिर कट करके भी रख सकते हो, ख़राब नहीं होगा। उसके अलावा जो डेलिकेट आइटम्स मैं कैटेगराइज करती हूँ, जैसे पालक, स्प्रिंग ओनियन, मेथी, कोई साग हो गया,
जो जो ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने खरीद के लाए हैं तो कोशिश रखना है कि उस दिन ही उसे अच्छे से क्लीन करके फ्रिज में डालें, नहीं तो एक तो बारिश का मौसम है तो इजीली खराब हो जाएगा। मेथी है तो मेथी को क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फ्रिज में रखा तो वो एक दिन आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा वो खराब हो जाएगा। नहीं तो अगर आपके घर में हाउस हेल्पर आती है तो उससे क्लीन करवा सकते हो। तो मैं मेरे हिसाब से अगर मैंने पालक लिया है तो मैं अब चूज़ कर लेती हूँ कि कोई साग ले लूँगी या फिर मैं स्प्रिंग ओनियन ले लूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। जो प्रॉपर वेजिटेबल्स होते हैं तो मेरे माइंड में एक वेजिटेबल हमेशा सेट होता है, भिंडी, क्योंकि भिंडी ऑल टाइम फेवरेट है मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का, और मैं भी खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। तो जीतू समाओ मेरे ऊपर भी गया है, रोहित के ऊपर भी गया है, तो सब कुछ खा लेता है वो भी। तो भिंडी ऑल टाइम फेवरेट है तो वो जरूर सर्च करके लाती हूँ। बाकी जो भी सब्जी मुझे मार्केट में सस्ती मिल जाए अभी के टाइम में तो वो ले लेती हूँ, या फिर जो मैं कुछ सब्जी है जो मैं खाती हूँ रोहित नहीं खाते, तो उसमें से एक आध सब्जी ले लेती हूँ, जैसे अरवी हो गई, अरुई होगी, ऐसा कुछ ले लेती हूँ। बाकी चीज़ें तो ऑप्शनल है, मिर्ची, नींबू, अदरक, ये सब कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो दिखते गया तो लेते चलेगा। आलू, प्याज, टमाटर, ये तीन ऐसी सब चीज़ें हैं तो अगर आपके पास स्टॉक में है तो क्यों लोगे, और नहीं है तो फिर लेके आना पड़ेगा ना। धनिया पत्ता भी मैं हमेशा रखती हूँ फ्रिज में और उसको दो फॉर्म में मैं स्टोर करके रखती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं जो भी एक्टिविटी करती हूँ कुकिंग के रिगार्डिंग वो मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, 45 मिनट्स, हाफ एन आवर में मेरा कुकिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और बहुत सारा वैरायटी बन जाता है, तो हम एक ही सब्जी से बोर नहीं होते कि अरे गिलकी खा रहे तो गिलकी ही खा रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, गिलकी को भी अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई करके बनाती हूँ, तो एक इंटरेस्ट बना रहता है वेजिटेबल्स के ऊपर। थीम ऑफ द इंटायर वीडियो इज निपटाओ सारा काम एक दिन और आराम करो पूरे हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, जो भी जितना भी आपने मेहनत किया है वो एक दिन, वो आपको आने वाले 10-15 डेज में डेफिनेटली दिखेगा। और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत इजी हो जाने वाला है आपका कुकिंग लाइफस्टाइल। जो बिहार से होंगे उन्हें पता होगा कि हम लोग लाह की चूड़िया पहनते हैं, और जो नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगी कि लैठी होती है, लाह की चूड़िया होती है, जो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से बहुत जल्दी टूट जाता है। तो वैसे ही कुछ हुआ तो यहाँ पर मैंने ऑड इवन जैसा पहन लिया, एक कांच की चूड़िया, एक पुराना लैठी है। तो मैं कभी भी सब्जी वगैरह का काम करती हूँ ना इस तरीके का, तो मैं चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी वो टूट जाते हैं। मैं कांच की चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, नहीं तो कोई पुरानी चूड़ी हो डाल लेती हूँ। तो फिर से मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं बीन्स जो रात को लेकर आई थी उसको धो दिया है, पानी उसका सुखा दिया है, और ये जो है ना श्रृंगार पटार का बॉक्स है, एक्चुअली ज्वेलरी बॉक्स है चूड़ी वगैरह का, तो मैं कोई भी बॉक्स ऐसे ख़रीदती नहीं हूँ। तो उसमें मैंने दो टाइप से बीन्स को रखा है, एक तो ये देखो एकदम बारीक सा कट कर दिया है, और एक ऐसी रहने दिया है कि बिरयानी वगैरह बनाना हो तो उसमें यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, उसको अच्छे से मिक्स कर देना, आराम से 10 दिन 15 दिन आप प्रिजर्व करके रख सकते हो, फिर थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, अभी 80 का केजी है तो सब्जी बनाकर तो खाएंगे नहीं, अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। साथ में करेला जो लेके आई थी उसे भी सुबह मैंने वॉश कर दिया था, फिर उसका जब पानी निकल गया तो ये देखो दो करेले मैंने ऐसे अलग निकाल दिए, भरमा के लिए दो करेले काफ़ी हो गए मेरे, रोहित के लिए और भुजिया के लिए मैंने अलग कर दिया। ये भी चूड़ी का बॉक्स है तो उसमें मैंने अलग कट करके रख दिया है, चाहो तो उसका फ्राइड बना लो या फिर भुजिया बना लो। ये गिलकी है तो गिलकी को भी मैं साफ़ कर रही हूँ, इस तरीके से कट साफ़ करके इसको अच्छे से धो दिया है और उसको फिर पोंछ दिया है। तो पोंछने से क्या है, काम फटाफट से आसान होगा, आप कितना वेट करेंगे ना, कब पानी इवेपोरेट होगा कब ये, तो इसको भी कट करके इस तरीके से बॉक्स में करके रख देती हूँ। चाहे तो भरमा बना लो, चाहे तो सब्जी बना लो, जिस तरीके से भी आप यूज़ करना चाहो। फिर सरसों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बिहार के होंगे उन्हें पता होगा, तो मेरा अभी से ना मिक्सर का काम शुरू हो गया है, तो यहाँ पर मैं सरसों सबसे पहले पीसी हूँ। तो इसको पीस कर इसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल देंगे तो आराम से 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम है तो इसको भून के भी रख दीजिए, तब तो और लंबा चल जाएगा। फिर अनारदाना, मैं 3 अनारदाना इस बॉक्स में आ जाता है तो मैं निकाल कर रख देती हूँ, ये मेरा 2 से 3 दिन चल जाता है, थोड़ा मैं ले लेती हूँ, थोड़ा जीतू, थोड़ा रोहित, ऐसे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार कर दिया है मैं, अदरक हमारा कम कंज्यूम होता है इसलिए थोड़ा ही बनाया है। सब में थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डाल दी हूँ ताकि स्मेल भी नहीं आए और जल्दी ख़राब नहीं हो, क्योंकि बारिश का सीज़न है। ये स्विगी से मैंने खाना मंगाया था, आई गेस बारबेक्यू नेशन से, तो बॉक्स आया था तो बहुत हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 टाइप से लहसुन को साफ़ कर रही हूँ, एक
एक तो छिलका उतार दिया है और जो छोटे छोटे लहसुन होते हैं ना जिसमें, तो उनको छिलके के साथ रखती हूँ क्योंकि तड़का वगैरह बनाना होना तो बहुत टेस्टी बनता है छिलके के साथ किया तो। और बचा हुआ है तो एक डब्बा मैंने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट तैयार कर दिया है। तो ये तीन टाइप का मेरा लहसुन तैयार हो गया, जब जैसा जरूरत हो वैसे यूज़ कर सकते हो, फटाफट से काम हो जाएगा। साथ में अभी आम का सीज़न है तो थोड़ा सा चटनी बनाकर रख देती हूँ एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ता 15 दिन चल जाता है। तो धनिया आम मिर्ची का चटनी बनाकर इसमें एक स्पून डाल देती हूँ प्लास्टिक का और ये रख देती हूँ। थोड़ा सा सरसों का तेल इसलिए डालते ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। और साथ में ये सुबह मैंने बनाई थी मूँगफली की चटनी तो वो ऐसी बच गई थी थोड़ी सी। ये देखो ये वाला जो मैजिकल पाउडर है ना इसका बनाया था, कोकोनट, लहसुन, मूंगफली और अपना मिर्च होता है। साथ में अलसी है तो इसका भी मैं चटनी बना लेती हूँ। ये रोस्ट किया हुआ है तो कुछ नहीं करना, फटाफट से अलसी डाला, थोड़ा सा आम का अचार डाला, थोड़ा सा गुड़ डाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, बहुत ही टेस्टी चटनी इसका बनता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीस लेना, आपको जैसा कंसिस्टेंसी रखना है, थिक पतला जैसा रखना है आप रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ थिक रखा है। और ये तीन टाइप की चटनी मेरी तैयार हो गई। मूँगफली की जो चटनी वो जल्दी ख़राब हो जाएगी तो उसको फटाफट से कंज्यूम कर दूंगी। डोसा का जो सामान रखा था पीसने के लिए वो मतलब भिगो के हो गया था तो उसको पीस कर भी मैंने यहाँ पे फर्मेंट करने के लिए रख दिया है एयरटाइट बॉक्स में। मैंने तो यहाँ प्लास्टिक यूज़ किया, आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है, स्टील का करेंगे तो और ज़्यादा दिन टिकेगा। काम करते करते सुबह से शाम कैसे हो गया पता ही नहीं चला, तो घी निकाल लिया और छन्नी से छान दिया है और इसका जो ये वेस्ट निकलता है ना इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पतला सा कपड़ा लिया है, साड़ी का हो या रुमाल हो जो भी हो, उसको ऐसे पोटली बना के रख दीजिए और जब जब रोटी बनाइए उसमें पलटते जाइए और ये देखो मस्त घी लगते जाता है। और इस तरीके से ना 3 से 4 दिन तो ज़रूर आप इस्तेमाल कर लो। कहते हैं निचोड़ निचोड़ कर यूज़ कर लेना, खैर कोई बात नहीं। ये भिंडी जो मैंने फ्रिज में रखा था इसको कट करने की बारी है। तो ये देखो तीन शेप साइज की भिंडी होती है जब हम कट करने जाते हैं और अलग अलग कट करने जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। देखो थोड़ी मोटी, थोड़ी बड़ी सी, मीडियम साइज़ की, छोटी वाली, तो तीन अलग अलग वेराइटीज़ के मैं कट कर रही हूँ, एक भुजिया के लिए, एक फ्राई के लिए और एक थोड़ा मसाला भिंडी के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास ना 1.5 kg के आसपास भिंडी है। तो अब ये रेडी टू कुक हो गया। अब ये भिंडी ना आप आराम से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। आलू भी मैंने बॉयल किया था तो उसका पानी निकल गया है और छिलके के साथ मैं स्टोर करके रखूँगी, आराम से 8 दिन तो चल जाएगा। धनिया पत्ता है तो इसको भी अच्छे से साफ कर दिया था और ये देखो कट करके रखा है, तो कट किया हुआ ना 3 से 4 दिन चल जाता है। टिप्स फॉलो करने से सच में कुकिंग बहुत ही इजी और सिंपल हो जाने वाली है। पालक की भी प्यूरी बना ली हो, कुछ पत्ते भी रहने दिए कि तड़का वगैरह बनाने में यूज़ हो जाएगा। अब फिर से लग गई काम में, पेपर बिछाया और लग गई यहाँ पे पुदीना छाटने के लिए और थोड़ा सा साग लाई थी वो भी छाटने के लिए। जीतू को स्टूल पर बिठाया तो वो रोने लगा, तो मैंने सोचा चलो बच्चे का मन क्यों मारा जाए, वो हेल्प कर रहा है तो चलो करने दो। और सच में उसने मेरा हेल्प किया, पुदीना छाटने में बस पत्ते पत्ते निकाल कर वो रख रहा था। तो वो ध्यान देना पड़ता है और कभी कभी चिड़चिड़ करने लगेगा तो सब कुछ इधर का उधर फेंक भी देगा। तो एक डब्बा मेरा तैयार हो गया, तो आराम से बिरयानी बनाना हो, चटनी बनाना हो, किसी भी फॉर्म यूज़ कर सकते। सारा काम निपटाते निपटाते मेरी कमर की बैंड बज गई, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो अब जा रही हूँ सोने के लिए। और सांस में सांस आई है, जान में जान आई है कि चलो सारा काम मेरा हो गया है, फाइनली सारी चीज़ें जगह पर लग गई। कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू सून।